हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एडुटैब टीचिंग परीक्षा। तो अब आपको डेली लगभग 9 बजे आपको केवीएस, डी ट्रिपल एस बी, एनवीएस एग्जाम्स, जो ये आपके एग्जाम्स हैं, इनके डेली हर सब्जेक्ट की क्लास मिला करेगी, चाहे वो पेडागॉजी है, चाहे वो करंट अफेयर्स है, चाहे वो रीजनिंग है, चाहे वो मैथ्स है। ओके, सो आज आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास है। दैट इज जो हमारा टॉपिक है, विल बी डिस्कसिंग दी टाइप्स ऑफ करिकुलम। अब करिकुलम एक आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एग्जाम है, अगर आप कल को डी ट्रिपल एस भी देते हो, चाहे केवीएस, चाहे आपका जो अब एग्जाम है एनवीएस, उसमें इसका जरूर 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। बिकॉज करिकुलम एक टीचर के लिए बहुत जरूरी है जानना कि क्यों करिकुलम चाहिए, क्यों एक प्लान चाहिए स्कूल को, वाई इट इज नीडेड। तो अब इसमें डिस्कस करेंगे कि करिकुलम होता क्या है एंड करिकुलम के टाइप्स क्या है। ओके, सो लेट स्टार्ट। पहले तो एक बार बताना चाहूंगी कि अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें इस पे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 8146207241, या आपको कोई भी डाउट आप इस पे मेल कर सकते हैं, hello@edutab.co.in, या फिर हमारी साइट पे आप जाके आप जो हमारे कोर्सेज हैं उनको अवेल कर सकते हैं, www.edutab.co.in। ओके, एक बार ही बताना चाहूंगी कि सीटेट के कोर्सेज अवेलेबल है, क्योंकि आपका सीटेट का एग्जाम सून टू बी इन दिसंबर है। ओके, तो उसके कोर्सेज अवेलेबल है, पेपर 1 का फुल कोर्स है, 2 के फुल कोर्स है, एंड आपके कॉम्बो कोर्सेज भी है, क्योंकि बीएड वाले बच्चे पीआरटी का पेपर भी दे सकते हैं, तो आपका कॉम्बो कोर्स भी है। ओके, देन आपको कोर्स में क्या मिलेगा, 250 प्लस इंटरैक्टिव वीडियोस रहेंगी ऑन ऑल द कंपोनेंट्स जितने भी आपके कोर्स पे हैं, चैप्टर वाइज एक स्ट्रक्चर्ड वे में सारे सब्जेक्ट्स की कंटेंट और पेडागॉजी है। ओके, पीडीएफ नोट्स हैं ईवीएस साइंस सीडीपी पर, 4500 प्लस चैप्टर वाइज एमसीक्यूज है, सेपरेट सेशंस रहेंगे कुछ एडवांस क्वेश्चंस के लिए, एंड फुल लेंथ आपके मॉक टेस्ट है। और सीटेट की वीडियोस आपको हर बार 12 बजे और एक 6 बजे मिला करेगी। 12 बजे आपको पेडागॉजी की वीडियो रहा करेगी, चाहे वो सीडीपी है या सब्जेक्ट पेडागॉजी, और 6 बजे आपको कंटेंट की वीडियो। ओके, कोई भी क्वेरी है, यू कैन मेल अस एट और कॉल अस एट, एंड यू कैन विजिट आवर साइट। ओके, देन हमारे केवीएस के भी कोर्सेज हैं, आपका पीआरटी का फुल कोर्स है। ओके, विद सब्जेक्ट, जो आपका 80 मार्क्स का सब्जेक्ट कंसर्न्ड आता है, जिसमें मैथ्स, आपका मैथ, सोशल, ओके, साइंस, एनवायरमेंट, हिंदी, इंग्लिश, सारा कुछ कवर्ड है। देन आपका टीजीटी का फुल कोर्स है, टीजीटी में फिलहाल तो सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, 150 मार्क्स के सारे ये आपके टॉपिक्स हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, जर्नल स्टडी, अवेयरनेस, रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, 150 मार्क्स का आपका सारा ये है, तो पीजीटी का फुल कोर्स है। एंड जो भी बच्चे पीजीटी वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल दे रहे हैं, वो ये सारा ले सकते हैं, बिकॉज आपको 70 मार्क्स का ये सारा कुछ है, आपको 80 सब्जेक्ट की तो खुद ही तैयारी करनी है, 70 का आपको ये बहुत ही एडवांस लेवल पे मिलेगा, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर्ड होंगे, 4000 प्लस आप देख सकते हो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, एंड आपके पास हर टीचर अवेलेबल है डिस्कशन फोरम पे फॉर योर डाउट्स। ठीक है, डाउट्स क्लियर होना बच्चों के बहुत जरूरी है, तो हर बार आपको टीचर अवेलेबल है, तो आप ये जो भी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल या पीजीटी का पेपर दे रहे हैं ना, तो वो ये कोर्स ले सकते हैं, आपका 70 मार्क्स की पूरी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ओके, देन बीएड वाले बच्चे भी आए नो कि वो पीआरटी भी भर सकते हो, तो हमारे पास टीजीटी और पीआरटी का एक फुल कोर्स भी है, आप ये फुल कोर्स भी परचेज कर सकते हो, बिकॉज टीजीटी में, अब मैं अगर बोलूं पीआरटी में रीजनिंग 20 की है, टीजीटी में रीजनिंग 40 की है, तो टीजीटी में हमने एडवांस लेवल की रीजनिंग डाली हुई, इसमें ज्यादा चैप्टर्स है, पीआरटी में चैप्टर्स कम है। ठीक है, इसलिए तो अगर जो भी बच्चे हैं वो ये कॉम्बो कोर्स लेंगे, उनको बहुत एडवांटेज रहेगा, कुछ एडवांस कह लो आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। ओके, बिकॉज उसमें सिलेबस आपका टीजीटी में ज्यादा है। ठीक है, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि मेरी वीडियोस आपको हर बार मिलती रहे, और हमारे लिए आप एक तरह से मोटिवेशन यही है, तो प्लीज जरूर करिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। ओके,
चलिए पहले तो जानते हैं करिकुलम क्या होता है। वैसे ये हम जान भी चुके हैं एक बारी, फिर भी एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक जो आपकी पूरी प्रॉपर प्लान्ड एक्टिविटी है, जिसके अंदर एक स्कूल ने, स्कूल के हेड ने या एडमिनिस्ट्रेटर ने एक प्रॉपर एक लेआउट बनाया है, स्ट्रक्चर बनाया है बच्चों के लिए, कि बच्चों को प्रॉपर अच्छे सब्जेक्ट्स देने हैं जो उन्हें पढ़ाए जाएंगे, सब्जेक्ट्स का कंटेंट जो उन्हें पढ़ाया जाएगा वो बताया जाएगा, बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग एक्सपीरियंसेस दिए जाएंगे, ठीक है। ये सारा जो चीज है इसको ही हम करिकुलम कहते हैं। एंड करिकुलम सिर्फ एकेडमिक सब्जेक्ट्स तक नहीं रहता है, करिकुलम के अंदर आपके सारे एक्सपीरियंसेस, चाहे वो लाइब्रेरी के हो, चाहे वो प्लेग्राउंड हो, चाहे वो वर्कशॉप हो, चाहे वो आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज हो, सारा कुछ इंक्लूडेड है। ओके, तो आपने ये चीज बहुत जरूरी समझनी है। हमने ये पढ़ा भी था वैसे, करिकुलम और सिलेबस में आपका क्या फर्क होता है। सिलेबस आपका करिकुलम का ही पार्ट है, और करिकुलम आपकी एक ब्रॉड टर्म है। ओके, बिकॉज उसमें काफी ज्यादा एक्सपेक्ट कवर होता है, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट की जाती है। तो एक बार यहाँ पे हम देख लेते हैं, करिकुलम एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है ऑफ द सम टोटल ऑफ सिलेक्टेड एक्सपीरियंसेस, जो कि एक प्लान करता है स्कूल फॉर अ डेफिनेट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स टू अटेन अ पर्टिकुलर प्रोग्राम। ठीक है, कोई भी स्कूल का कोर्स या स्कूल की एक्टिविटी कैरी आउट करने के लिए एक प्रॉपर करिकुलम तैयार किया जाता है। अब यहाँ पे देखो ये पढ़ो, करिकुलम डज नॉट मीन ओनली द एकेडेमिक सब्जेक्ट्स, सिर्फ एकेडेमिक सब्जेक्ट्स नहीं आएंगे जो स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, बट सारा टोटालिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस होते हैं जो एक पब्लिक रिसीव करती है थ्रू एक्टिविटीज जो स्कूल में चल रही हैं, वर्कशॉप और वेदर इन प्ले ग्राउंड, वेदर इन लाइब्रेरी, वेदर इन लेबोरेटरी और वेदर द इनफॉर्मल कॉन्टैक्ट्स बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। एक तो होता है फॉर्मल कॉन्टैक्ट, फॉर्मल मतलब जिसमें हम सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, इनफॉर्मल होता है जिसमें चाहे बच्चे टीचर्स के साथ बातें कर रहे हैं तब भी वो कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं। तो ये सारा इस पार्ट ऑफ द करिकुलम। जैसे कई बार होता है ना स्कूलों में एक जीरो पीरियड होता है, जिसमें बच्चे को बोलते हैं कि चलो आप लोग अगर घर से होमवर्क नहीं करके आप यहाँ आके होमवर्क कर सकते हो, एंड या फिर एक टीचर के पीरियड में एक 5 मिनट्स की ब्रेक होती है, कि इसमें टीचर बच्चों के साथ बातें करेंगी, बच्चों के साथ डिस्कस करेंगी उन्होंने क्या पढ़ा है। तो ये सब करिकुलम में डिसाइड किया जाता है, जिससे क्लास कह लो बच्चे को बोरिंग भी ना लगे, एंड एक ये पार्ट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस ये कि बच्चे कुछ ना कुछ टीचर से एक्स्ट्रा सीखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आप देख सकते हैं जैसे कि टाइप्स ऑफ करिकुलम काफी सारे हैं। ओके, बट एक एक हम करके पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में बहुत जानने की इनको जरूरत नहीं है। बहुत ही डायरेक्ट डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा, वो ऐसे लिख देंगे 4 लाइनें और पूछेंगे बताओ ये कौन सा करिकुलम है। ओके, सो नो नीड टू गो इन वेरी डिटेल फॉर दिस टॉपिक, एंड मैंने भी ज्यादा डिटेल में इसको बनाया नहीं है। बोर्ड पर बनाना थोड़ा मुश्किल था बिकॉज ये काफी सारे टाइप्स है, सो आई थॉट टू मेक इट इन अ पीपीटी, ताकि आप लोगों को, बिकॉज आप लोगों को अब डेफिनेशंस आती है ना, तो रिटन डेफिनेशंस मैंने इसमें काफी डाली हैं जो आपको हेल्प करेगी। सो दीज आर योर टाइप्स ऑफ करिकुलम, सब्जेक्ट बेस्ड, लर्नर बेस्ड, एक्टिविटी या कह लो एक्सपीरियंस बेस्ड करिकुलम, ओवर्ट एक्सप्लिसिट या रिटन, इसको हम क्या बोलते हैं, इसके 3 नाम ही है। रिटन करिकुलम भी कह सकते हो, एक्सप्लिसिट करिकुलम भी कह सकते हो, या ओवर्ट करिकुलम भी कह सकते हो। देन एक और करिकुलम है जिसको इनविजिबल करिकुलम कहा जाता है, इसको और क्या क्या कहते हैं, हिडन, इम्प्लिसिट, कोवर्ट या साइलेंट, ये सारे नाम आपको पता होना चाहिए। देन योर नल करिकुलम, सोसाइटल करिकुलम, इंटीग्रेटेड, फैंटम, कॉन्कोमिटेंट करिकुलम, ठीक है, ये लगभग हो गए 10 टाइम्स। और आगे चलते हैं, ये लगभग और 10 तरह के, ठीक है, रोटेरिकल करिकुलम, करिकुलम इन यूज, इंटरनल करिकुलम, इंटेंडेड करिकुलम, इंप्लीमेंटेड करिकुलम, अचीव्ड करिकुलम, रिसीव्ड करिकुलम, इलेक्ट्रॉनिक करिकुलम, फ्रंट लाइन करिकुलम एंड एमर्जेंट करिकुलम। ओके, सो लगभग वैसे तो ये इतने आपके गिवन भी नहीं होते हैं बुक्स में, बट मुझे जितनी भी बुक्स में, नेट पे एवरीथिंग, जो भी टाइप का करिकुलम मिल गया ना, सो आई ट्राई टू पुट एवरीथिंग, ओके, ताकि आपका कोई भी छूट ना जाए एग्जाम के लिए, सो मैंने तभी सारे डाल दिए, बहुत ईजी है, नो नीड टू वरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट करिकुलम जैसे कि आप लोग देख सकते हो, दैट इज वेरी सिंपल करिकुलम, और शायद ये सबसे पुराना करिकुलम है, ट्रेडिशनल करिकुलम है, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम या
टीचर सेंटर्ड करिकुलम भी कहते हैं। यूजली इसको कई लोग ऐसे अलग अलग भी बताएंगे, कुछ शायद इसे अलग सब्जेक्ट सेंटर्ड कहेंगे, कुछ अलग एक सेकेंड टाइप बना देंगे टीचर सेंटर्ड, पर ये है एक ही है। क्योंकि जब पहले क्या होता था, पहले टीचर सेंटर्ड करिकुलम फॉलो होता था, जैसा टीचर ने बना दिया वही फॉलो होगा, बच्चे को ध्यान में नहीं रखा जाता था और सिर्फ फोकसिंग सब्जेक्ट्स पे रहती है, क्योंकि वर्ड ही सब्जेक्ट्स है तो सिर्फ ध्यान ही सब्जेक्ट्स पे दिया जाता है। ओके, तो ये आपका सब्जेक्ट या टीचर सेंटर करिकुलम सबसे पुराना करिकुलम है, ट्रेडिशनल करिकुलम है। द सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम ऑफ कोर्स किस पे बेस्ड होगा, सब्जेक्ट पे। सारी नॉलेज ट्रांसफर की जाती है बच्चे को थ्रू सब्जेक्ट्स, मतलब जो जो सब्जेक्ट्स में है, मैथ्स, फिजिक्स, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, बस वो नॉलेज बच्चे को सब्जेक्ट की मतलब टीचर ने नॉलेज देनी है स्टूडेंट को। तो दिस इज जस्ट ट्रांसफरिंग द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम द टीचर टू द स्टूडेंट। ठीक है, करिकुलम ऑर्गेनाइज होता है अकॉर्डिंग टू द असेंशियल नॉलेज हैज बीन डेवलप्ड इन वेरियस सब्जेक्ट एरियाज। मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चे को नॉलेज देना, जो बुकिश नॉलेज है, ठीक है, नॉलेज को रिप्रेजेंट करना कि बुक्स में क्या क्या नॉलेज है, उसको टीचर कैसे बता सकता है, या एक तरह से कह लो बच्चे को इन्फॉर्मेशन देना। ऑफकोर्स सब्जेक्ट्स का, जो ये हमारे सब्जेक्ट्स है, इनका काम ही क्या है, आपको बताना है कि क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आप मैं बायो उठा लेती हूँ, बायो में बताना आपको सेल क्या होते हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, तो एक नॉलेज देना, दैट इज योर सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। अगर टीचर, अगर जैसे क्वेश्चन है ना कि टीचर सिर्फ बायो के कंसेप्ट्स पढ़ा रही है, बायो में ये चैप्टर है, बायो में ये चैप्टर, अगर टीचर ये पढ़ा रही है तो ये कौन सा करिकुलम टीचर फॉलो कर रही है, सब्जेक्ट सेंटर, क्योंकि टीचर क्या कर रही है, सब्जेक्ट की नॉलेज ही बच्चे को दे रही है। ओके, तो ये आपका पहला है और सबसे पुराना है, अब तो बहुत नए आ गए। अब इसकी देखो लिमिटेशंस क्या है, इसके कुछ ना कुछ तो नुकसान है ही है। बस टीचर ने बुक उठाई, पढ़ा और स्टूडेंट को सुना दिया, तो ये इसमें बच्चों का इंटरेस्ट नहीं बनता, और बच्चों की जो नीड्स है, बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चे कैसे टॉपिक समझना चाहते हैं, बच्चे को टीचर को क्या मेथड यूज करना चाहिए, टीचर को उसे कैसे इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, या क्लास में बच्चे बोर हो रहे हैं नहीं, ये टीचर देख रही है, ये कुछ भी ध्यान में नहीं रखा जा रहा, ना बच्चे की नीड्स, ना बच्चे के इंटरेस्ट, नथिंग। बिकॉज इसमें टीचर आती है, सब्जेक्ट पढ़ाती है और चली जाती है। ज्यादा स्ट्रेस किस पे दिया जा रहा है, एज यूजुअल मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट पे, कंटेंट पे, ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस बच्चों का कोई ध्यान नहीं है। टीचर क्लास में आके ये नहीं पूछती, चलो बच्चे हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो आप बताओ कि आप लोग इस बारे में क्या जानते हो, आप डेली फूड के अंदर क्या खाते हो, हमारी बॉडी में खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, आपको क्या लगता है, ऐसा टीचर कुछ भी नहीं पूछती है। तो ठीक है, इस पे ज्यादा पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे ध्यान नहीं जाता। ऑफकोर्स ज्यादा किस पे ध्यान दिया जाता है, मेमोराइजेशन, आपको सिर्फ रट्टा मारना है सब्जेक्ट का। तो ये इसकी क्या है, लिमिटेशंस है। ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ही आसान और सिंपल क्वेश्चन है, दैट इज सब्जेक्ट सेंटर डिजाइन्स। जो सब्जेक्ट सेंटर्ड कह लो करिकुलम है या सब्जेक्ट सेंटर्ड हम डिजाइन बनाते हैं, कहते हैं वो किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, मतलब किसके अराउंड इर्द गिर्द घूमते हैं, उनके अंदर मेन चीज क्या है, क्या उनके अंदर मेन लर्नर होता है, क्या सोशल प्रॉब्लम्स मेन है, या कंटेंट मेन है, या सोशल वैल्यूज। आई थिंक ये हमने पढ़ा ही है और बहुत अच्छी तरह से समझा है कि जो भी आपका सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम या डिजाइन है वो बेसिकली रिवॉल्व सिर्फ कंटेंट के अराउंड करता है। टीचर का मेन इसमें काम होता है, बस वो टीचर कंटेंट पढ़ाती है, बच्चे को नॉलेज देती है और काम खत्म। ठीक है, तो ये करिकुलम इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। ओके, नो डाउट ये करिकुलम हायर लेवल पे ही यही वाला यूज होता है। आई थिंक प्राइमरी लेवल पे ये करिकुलम तो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है, बिकॉज प्राइमरी लेवल पे तो हम बच्चों को चीजें ज्यादा एक्टिविटी के थ्रू कराते हैं, तो हायर लेवल पे ठीक है, क्योंकि हमें फोकसिंग थोड़ी सब्जेक्ट पे करवानी चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट में कंटेंट प्लस वन प्लस टू लेवल पे जाओ तो काफी ज्यादा आ जाता है। तो पर चलो हमें तो क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन ये कहता है कि सब्जेक्ट सेंटर डिजाइन किसके राउंड रिवॉल्व करते हैं, तो इसका आंसर आप क्या क्या होगा, सी, दैट इज द कंटेंट। ओके ओके, सो नेक्स्ट करिकुलम है अ वेरी इंपॉर्टेंट करिकुलम, दैट इज लर्नर सेंटर्ड या कह लो स्टूडेंट सेंटर्ड या चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। एनसीएफ के अकॉर्डिंग भी जिस करिकुलम पे फोकस करवाया जाता है वो ये करिकुलम है, दैट इज द चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। चाइल्ड वर्ड ही आप समझते हो, चाइल्ड सेंटर्ड मतलब बच्चे के अकॉर्डिंग, मतलब जो करिकुलम बनाया जाए वो बच्चे के अकॉर्डिंग बनाया जाए, और बच्चे की क्या कंसिडरेशन हैं जो ध्यान में रखी जाएंगी, नीड्स,
एबिलिटीज इंटरेस्ट एंड लर्निंग स्टाइल्स. अब देखो क्लास में डिफरेंट तरह के बच्चे हैं, हर स्टेट से बच्चा आता है, सब बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, कोई तेज गति से सीखता है, कोई स्लो सीखता है, तो ये टीचर्स को सारी चीजें ध्यान में रखनी है. उनकी नीड्स क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है क्लास में, वो कैसे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, उनकी एबिलिटीज क्या है, वो किस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं, किस में वीक है, उनका इंटरेस्ट एरिया क्या है, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट उनको ज्यादा पसंद है, तो टीचर उसमें बच्चों को और ट्रेंड करें, और उनके लर्निंग स्टाइल्स क्या है, वो विजुअली सीखते हैं, ठीक है, थ्रू एक्टिविटी सीखते हैं, मतलब कैसे भी सीखते हैं, ये सारे टीचर्स को ध्यान में रखने हैं. लर्निंग स्टाइल्स आपके काफी सारे होते हैं, थ्रू साइको मोटर, आपने जैसे हमने पढ़ा एक्सपेरिमेंट करके सीखना, एक्सपेरिमेंट करके सीखना, ओके, देन या फिर थ्रू बोर्ड, थ्रू टेक्स्ट बुक सीखना, बहुत सारे लर्निंग स्टाइल हैं, सारे टीचर्स को ध्यान रखना है. क्लास में अब सारे इतने सारे बच्चे हैं, तो टीचर ने बहुत ध्यान रखना है कि हर बच्चे की कोशिश हो सके, जितनी भी कोशिश हो सके, हर बच्चे की नीड सेटिस्फाई हो सके. और यहाँ पे टीचर क्या एक्ट करता है, एज अ फैसिलिटेटर. टीचर एक गाइड है, टीचर एक फ्रेंड है, एक मार्गदर्शक है, ठीक है, ना कि टीचर यहाँ पे डिक्टेटर या इंस्ट्रक्टर है कि जैसा बोल दिया वैसे करना है, तो ये भी एक चीज ध्यान रखनी है. देन यहां पे प्राइमेसी, मतलब मेन चीज किसको देनी है, ऑफ कोर्स स्टूडेंट वॉइस को, मतलब चाइल्ड शुड हैव द एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट ही और शी वांट्स टू से, वो क्या कहना चाहता है, वो क्या एक्सप्रेस करता है, उसे क्या चीज समझ आ रही है, क्या नहीं आ रही है, सब कुछ टीचर ने सुनना है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टूडेंट्स यहां पे कैसे सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, या दे लर्न बाय डूइंग, मतलब लर्न बाय डूइंग मतलब जितना वो खुद करेंगे, कोई भी एक्टिविटी या कोई भी एक्सपेरिमेंट वो खुद करते हैं ना, तो वो ज्यादा बेहतर से सीखते हैं. एंड जितनी भी थ्योरी को हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाएंगे, बच्चे की लर्निंग उतनी ज्यादा होगी. एंड जो ये आपका चाइल्ड सेंटर डिजाइन है या करिकुलम है, इसके मेन जो फाउंडर्स थे ना, दैट वर जॉन डेवे, रोसो या फ्रोएबल, ये सारे इस चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम पे ही स्ट्रेस करते थे कि बच्चे के अकॉर्डिंग करिकुलम बनना चाहिए. एंड आई थिंक मेन जो स्टार्टिंग में जिन्होंने बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस किया, दैट वाज योर जॉन डेवे, ठीक है, ये इनकी फोटो भी है यहाँ मैंने लगाई हुई है, दैट इज जॉन डेवे. ये बहुत ही ज्यादा मतलब चाहते थे कि जैसा स्टूडेंट्स चाहते हैं और जैसे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है, क्योंकि एट द एंड हमें जो रिजल्ट चाहिए वो अच्छा चाहिए बच्चों से, तो उनके अकॉर्डिंग करिकुलम बनाया जाना चाहिए. ओके ओके, ये कुछ फर्क है, वैसे पढ़ सकते हो टीचर सेंटर और लर्नर सेंटर एक करिकुलम में क्या फर्क है. लाइक फोकस यहाँ टीचर पे होता है, यहाँ दोनों पे होता है, ठीक है, यहाँ बस टीचर बोल रहा है, बच्चे सुन रहे हैं, यहाँ आपस में दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ बच्चे अकेले काम करते हैं, यहाँ पे अगर लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, सारे इकट्ठे मिलके काम करते हैं पेयर्स में या ग्रुप्स में. ओके, यहाँ पे मॉनिटरिंग सारा कुछ इंस्ट्रक्टर से होती है, यहाँ पे बच्चे बोलते रहते हैं, चाहे मॉनिटरिंग टीचर कर रहा है, पर बच्चे बोल भी रहे हैं और टीचर उनको साथ साथ इंस्ट्रक्ट भी कर रहा है. यहाँ पे बस बच्चों को बोलने ही नहीं देते, यहाँ पे टीचर ही चूज करेगा टॉपिक, यहाँ बच्चों को भी हक दिया जाता है कि वो चूज करे टॉपिक. क्लासरूम शांत है, यहाँ क्लासरूम थोड़ा सा नॉइजी और बिजी रहेगा. यहाँ पे बच्चों की जो लर्निंग को है वो टीचर इवेल्युएट करता है, यहाँ पे टीचर अपनी लर्निंग को खुद भी टीचर कह रही हूँ स्टूडेंट, यहाँ स्टूडेंट अपनी लर्निंग को खुद भी इवेल्युएट करते हैं, बिकॉज उन्हें टीचर इतना हक देता है कि आप लोग जानो कि आप लोगों ने क्या सीखा है, देखो आप लोगों ने गलती की है या नहीं, ये टीचर उन्हें हक देता है. ओके ओके, सो आर नेक्स्ट टाइप ऑफ करिकुलम, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट करिकुलम, दैट इज एक्टिविटी, या जिसे और क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम. ठीक है, तो इस करिकुलम क्या है, देखो एक्टिविटी वर्ड है, एक्टिविटी मतलब ऑफकोर्स जब कुछ हम करते हैं, क्या कर सकते हैं बच्चे क्लास में, कोई मॉडल बनाना, कोई चार्ट बनाना, कोई प्रैक्टिकल करना, कोई एक्सपेरिमेंट करना, जो भी वो चीज करके सीखेंगे ना, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, रेदर देन सिर्फ टीचर का लेक्चर सुना और घर चले गए. तो ये करिकुलम आपका फोकस करता है एक्टिविटी में. ओके, एंड ये करिकुलम मेनली ध्यान रखता है बच्चों के एक्सपीरियंसेस को, यहाँ पे आप ये वर्ड देख सकते हो, इट मेनली फोकस ऑन द लर्निंग एक्सपीरियंसेस. बच्चे जैसे अपनी फैमिली से कुछ ना कुछ सीख के आते हैं, फर्स्ट क्लास में वहां कुछ सीखते हैं, फिर सेकेंड क्लास में होते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं, जैसे जैसे वो सीखते हैं ना, उनके पास एक कह लो वो आ जाता है कि दे हैव दिस राइट कि वो कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं इस चीज को इस एक्टिविटी के थ्रू करना चाहते हैं, उनके पास एक हक है. और टीचर को ये उन्हें सपोर्ट करना चाहिए कि वो हर चीज को थ्रू एक्टिविटी करे, वो कोई
ब्लॉक्स बना रहे हैं या वो कोई कलरिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो टीचर बहुत कोशिश करे उनको रेदर देन समझाए कि ये देखो बेटा चार्ट पेपर है, इसमें हम ऐसे कलर को भरते हैं, इसका कोई फायदा नहीं है, ये तो सुना तो हर कोई देगा, बेटर आप उन्हें दो चार्ट पेपर, उनको एनिमल्स या फ्लावर्स दो और उसमें बच्चे खुद कलर करें, ठीक है। तो इट इज सेम लाइक एक्टिविटी की तरह ही है, एंड लर्निंग बाय डूइंग डिवाइस इज यूज इन दिस करिकुलम, मतलब हम कुछ ना कुछ चीजें यूज करके, ऑफकोर्स लर्निंग बाय डूइंग कर रहे हैं, एक्टिविटी मेथड कर रहे हैं, तो थिंग्स यूज करेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिविटी या एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम। ओके, इसमें यहाँ पे देखो, यहाँ एक फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंसेस ऑफ द लर्नर्स बिकम द स्टार्टिंग पॉइंट इन करिकुलम। एक्सपीरियंसेस ऑफ द लर्नर का मतलब है यहाँ पे जो बच्चों ने सीखा हुआ है, ठीक है, उनके पास एक हक है कि वो जो भी एक्टिविटी चूज करना चाहते हैं वो चूज कर सकते हैं, दे हैव दिस राइट कि उस काम को वो कैसे करना चाहते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंसेस ऑफ द लर्नर दे बिकम वेरी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द करिकुलम, लर्नर्स आर मेड टू चूज फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज दैट द टीचर्स प्रोवाइड। टीचर उन्हें काफी सारी एक्टिविटीज दे सकती है कि चार बच्चे दे दिए, चार बच्चों को बोल दिए कि एक एक मॉडल बनाएगा, एक चार्ट बनाएगा, एक पिक्चर्स बनाएगा, ठीक है। तो बच्चों के पास कई बार आपने देखा है छोटे बच्चे बोलते हैं मैम मुझे मॉडल बनाना अच्छा लगता है, मैं मॉडल बनाऊंगा, कुछ बच्चे बोलेंगे मैम मुझे तो ड्रॉइंग अच्छी लगती है, मैं ड्रॉइंग करूंगी, मैं ड्रॉइंग के थ्रू फ्रूट्स के नाम सीखूंगी, ये कुछ भी मतलब। तो यहाँ पे एक्सपीरियंसेस लर्नर के ध्यान रखते हैं, टीचर उन्हें एक्टिविटीज दे देती है और बच्चों को थोड़ा हक देती है कि आप सिलेक्ट करो आप कौन सी एक्टिविटी करना चाहते हो। और एक्टिविटीज कह रहे किसके अराउंड घूमती है, टचिंग, फीलिंग, इमेजिनिंग, कंस्ट्रक्टिंग एंड रिलेटिंग। टचिंग मतलब जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल में होती है ना, प्राइमरी लेवल पे एक्टिविटीज होती है, जैसे वो आपका ये दैट फ्रूट्स हैं, अगर क्लास में टीचर फ्रूट्स लेके और बच्चों को ऐसे टच करवा के पूछे कि बताओ ये कौन सा फ्रूट है, या फ्लावर्स लेके आए, फ्लावर्स को बच्चे स्मेल करें, फील करें और बताएं कि ये कौन सा फ्लावर है, टीचर उन्हें इमेजिन करने को कह सकती है कि आप कोई भी कह लो कोई भी कार्टून हो गया या कोई भी मॉडल को इमेजिन करो और उसके बारे में खुद अपने वर्ड्स लिखो, या कुछ भी कंस्ट्रक्ट करो, चीजें बनाओ, ब्लॉक्स बनाओ, नंबर्स बनाओ, मैथ्स में तो आपके बहुत सारी चीजें होती है, आपका टेलर, अबास्कस, ठीक है, छोटे मोटे आपकी चीजें होती है जिनसे आप वो बनाते हो, तो बहुत अच्छा अगर बच्चे कंस्ट्रक्ट करें, चीजों को आपस में रिलेट करेंगे, तो ये सारा कुछ आपका एक्टिविटी में आ जाएगा। यूजुअली ऑफ कोर्स हाँ ये बात ट्रू है कि ये एक्टिविटी मेथड ज्यादा प्राइमरी लेवल तक रहता है, हायर लेवल पे अब हर चीज में तो एक्टिविटी कराई नहीं जा सकती, तो प्राइमरी लेवल पे तो पढ़िए सबसे ज्यादा बेस्ट मेथड है। ओके, चलिए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग करिकुलर अप्रोचेस द लर्नर इंजॉयज मैक्सिमम ऑटोनॉमी। मैक्सिमम ऑटोनॉमी मतलब उसको स्वतंत्रता कौन से मेथड में मिलती है, सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच, टीचर सेंटर्ड अप्रोच, एक्टिविटी सेंटर्ड अप्रोच या एक्सपीरियंस सेंटर्ड अप्रोच। अब यहाँ पे देखो इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, यहाँ एक्टिविटी और एक्सपीरियंस अलग अलग लिख दिया है, हालांकि मैंने आपको बताया कि एक्टिविटी को ही एक्सपीरियंस मेथड भी बोलते हैं। यूजली क्या होता है, पहले बच्चों के एक्सपीरियंसेस देखे जाते हैं, एक्सपीरियंसेस काउंट किए जाते हैं, किस बच्चे को ड्रॉइंग ज्यादा पसंद है, किस बच्चे को राइटिंग ज्यादा पसंद है, किस बच्चे को आपके ये मॉडल्स बनाना ज्यादा पसंद है, तो पहले टीचर एक्सपीरियंसेस देखती है, फिर कुछ बच्चों को एक्टिविटीज दे देती है और फिर बच्चों को बोलती है कि चलो अब आप सिलेक्ट करो। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखूं, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ऑटोनॉमी वर्ड का मतलब होता है स्वतंत्र महसूस, जिसमें बच्चे अपनी लर्निंग को खुद कंट्रोल कर सकते हैं कि खुद वो जो चाहे हैं वैसा कर सकते हैं, वो कौन सा मेथड है, ऑफ कोर्स हमने पढ़ा ही है दैट इज द एक्टिविटी, यहाँ पे मैं इसको बोलूंगी एक्टिविटी। ऑफ कोर्स अब मुझे इनमें से कोई एक चुनना है, एक्सपीरियंस वर्ड थोड़ा अलग आ जाता है, हालांकि एक्सपीरियंस और एक्टिविटी आपस में रिलेटेड है, बच्चों के एक्सपीरियंसेस को थ्रू एक्टिविटी करवाया जाता है, मतलब मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि बच्चों के एक्सपीरियंसेस को थ्रू एक्टिविटी करवाया जाता है, तो पर जिस जो चीज कर रहे हैं जिसमें वो इंजॉय कर रहे हैं वो तो एक्टिविटी होगी ना, तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या होगा आपका, थर्ड एक्टिविटी, मतलब बच्चे को जो सारा सिलेबस है, जो सारी चीज करवाई जाती है वो थ्रू एक्टिविटी करवाई जाती है। ओके, तो इसका सबसे जो सही जवाब है दैट इज योर थर्ड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम के अंदर
टीचर का रोल सबसे कम है, क्या कौन सी ऑप्शन हमें चूज करनी है? सही है, टीचर रोल इज मिनिमम, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज हैव टू बी स्टैंडर्डाइज्ड बाय द एजुकेशनल अथॉरिटीज, एक्टिविटीज आर डिसाइडेड इन एडवांस बिफोर स्टार्ट ऑफ लेसन, या होल सिलेबस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एक्टिविटीज। अब देखो, एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम में टीचर का रोल मिनिमम है, ये गलत है। टीचर का रोल तो ऑफ कोर्स पूरा होता है, टीचर हेल्प करती है बच्चों को एक्टिविटीज के साथ करवाने में। लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज कहते हैं पहले से स्टैंडर्डाइज कर दो, एजुकेशनल अथॉरिटी पहले डिसाइड कर दी बस ये करानी है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, करिकुलम हमेशा फ्लेक्सिबल होता है, विद इन 2-3 मंथ्स भी हम चीजें न्यू डाल सकते हैं और चेंजेस ला सकते हैं। ओके, थर्ड कह रहा है एक्टिविटीज पहले से ही डिसाइड कर दो बिफोर द स्टार्ट ऑफ सेशन। ऐसा नहीं है, बिकॉज क्लास में आपके डिफरेंट डिफरेंट बच्चे हैं, टीचर एक जब नया सेशन शुरू करती है उसे धीरे धीरे पता लगता है कि मेरी क्लास में कैसे बच्चे हैं, वो क्या चाहते हैं, उसे स्लोली पता लगता है। इसका सही जवाब बिल्कुल सिर्फ फोर्थ है, कि मैंने आपको बोला भी था सारे सिलेबस को हम थ्रू एक्टिविटीज पढ़ाते हैं। ओके, होल सिलेबस इज टॉट थ्रू एक्टिविटीज, मतलब बच्चों को जितना भी हो सकता है ना आप थ्रू उसको एक्टिविटी एक्सप्लेन करो, तभी इस ऑफ कोर्स इस करिकुलम का नाम एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम रखा है। ओके, तो इसका सही जवाब आपका क्या है, दैट इज फोर्थ। ओके, सो हमारा अब नेक्स्ट करिकुलम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फॉर्मल करिकुलम, जिसको हम ओवर्ट भी कहते हैं या एक्सप्लिसिट भी कहते हैं या रिटन करिकुलम भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो, वैसे आप लोगों ने सुना होगा एक फॉर्मल करिकुलम होता है, एक इनफॉर्मल टाइप होता है। जो ये वर्ड फॉर्मल इनफॉर्मल है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में ही कुछ मीनिंग समझाते हैं। फॉर्मल मतलब जो सारा एक काइंड ऑफ कुछ एकेडेमिक होगा, जो रिलेटेड टू आपके बुक्स, स्कूल, डॉक्यूमेंट से रिलेट होगा। इनफॉर्मल शब्द ही कुछ ऐसा होता है जिसमें कुछ ऐसा प्रॉपर एकेडेमिक टाइप नहीं है, कुछ को करिकुलर टाइप होगा, तो वो इनफॉर्मल वर्ड कुछ वैसा दर्शाता है। ठीक है, तो ये जो आपका फॉर्मल करिकुलम है, ये आपका वही करिकुलम है जिसके अंदर आपके पास क्या आ जाता है, डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट बुक, स्कूल फिल्म्स या कोई भी टीचिंग मटेरियल, मतलब जो आपके स्कूल के एकेडेमिक्स सेशन के लिए जो भी आपको मटेरियल रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, चाहे वो रिटन में हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट हो, चाहे फिल्म्स हो, चाहे वो कोई टीचिंग किट्स हो आपकी, जैसे टीचर को काफी सारे मटेरियल की जरूरत पड़ती है लैब्स में, वो मतलब सारा आपका जो करिकुलम है दैट इज योर फॉर्मल करिकुलम। ऑल द करिकुलम दैट इज स्कूल बेस्ड, जैसे हम यहाँ एक टीचर की फोटो देख सकते हो, इसको इतना सारा कुछ मटेरियल चाहिए होता है, बुक्स, पेंसिल, बोर्ड, ठीक है, फिर योर इसको टेक्स्ट मशीन, ये सारा कुछ जो भी है दैट इज ऑल योर रिटन और अ फॉर्मल करिकुलम, जिसको हम अवर्ट या एक्सप्लिसिट भी कहते हैं। ओके, दैट विच इज अ रिटन एज अ पार्ट ऑफ फॉर्मल इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्कूलिंग एक्सपीरियंस, रेफर्स टू द डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट, फिल्म या सपोर्टिंग टीचिंग मटीरियल, जो हमारे करिकुलम को सपोर्ट करता है। या यहाँ पे भी लिखा हुआ है एक्सप्लिसिट करिकुलम वही है जो थिंग्स दैट आर देयर इन द टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, जो भी चीजें टेक्स्ट बुक्स के अंदर है या जो भी हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं जो रिक्वायर्ड है एज अ पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम, वो आपका सारा कौन सा करिकुलम है, फॉर्मल या रिटन करिकुलम। ओके, चलिए अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अ क्लास करिकुलम इज व्हाट दैट क्लास इज डिजाइन टू टीच, दिस इंडिकेट्स द टॉपिक्स कवर्ड बाय द क्लास एंड एनी डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडेड इन द लेसन प्लान सच एज टेक्स्ट बुक, फिल्म और एनी वेब सोर्सेज। तो ये कौन सा करिकुलम है, सब्जेक्ट सेंटर्ड, एक्सप्लिसिट, एक्टिविटी या स्टूडेंट सेंटर्ड? देखो, मैंने आपको पढ़ाया है कि जो भी आपका करिकुलम है, जो फॉर्मल या रिटन करिकुलम है जिसमें आपकी टेक्स्ट बुक्स, ठीक है, योर फिल्म्स, सोर्सेज, डॉक्यूमेंट्स, जो भी एज अ पार्ट ऑफ एकेडेमिक जिसको आप प्रॉपर देख सकते हो, ठीक है, वेयर यू कैन राइट ऑल्सो ऑन समथिंग, कुछ भी, दैट इज योर योर फॉर्मल और रिटन करिकुलम, या जिसको हम ओवर्ट या एक्सप्लिसिट करिकुलम भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब आपका क्या होगा, दैट विल बी सेकेंड। ओके, देखो, आपको क्वेश्चंस अगर पूछे जाएंगे ना तो बस डेफिनेशंस ही पूछी जाती है, इतनी कुछ डिटेलिंग में नहीं आता है, सो नो नीड टू वरी कि ये कुछ ऐसा टफ है या नहीं है, तो बहुत इजी है वैसे, बट ओनली योर डेफिनेशंस आर आस्क्ड, तभी ये इतने सारे। अब मैं नहीं चाहती थी कि आपका कोई करिकुलम रह जाए, तो इसलिए मैंने सारे ही डाल दी। ओके, चलिए नेक्स्ट करिकुलम पर चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका करिकुलम है दैट इज योर
इनफॉर्मल करिकुलम, जिसको हम हिडन करिकुलम भी कहते हैं या इम्प्लिसिट करिकुलम भी कहते हैं या कोवर्ट भी कहते हैं या साइलेंट और इनविजिबल. ओके, अब ये करिकुलम बिल्कुल अपोजिट है फॉर्मल से. इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट बुक्स ऐसा कुछ भी नहीं आएगा. ये कहता है कि ऐसे लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, दैट आर नॉट पार्ट ऑफ एक्सप्लिसिट, ये फॉर्मल करिकुलम का पार्ट नहीं है, बट दैट रिजल्ट इन चेंजेस इन एटीट्यूड, बिलीफ एंड वैल्यूज ऑफ स्टूडेंट. क्लास में बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो अपने आप बच्चा इनडायरेक्ट वे में सीखता है. ठीक है, कुछ भी हो वो चीजें सीखता है जिसकी वजह से उसके एटीट्यूड में चेंज आता है. ठीक है, क्लास के अंदर वो घर जाके अलग बिहेव करेगा, उसने जो भी सीखा हो चाहे पॉजिटिव नेगेटिव, उसकी बिलीफ चेंज होते हैं, किसी के प्रति समझ उसकी एक अलग बनती है, उसकी वैल्यूज ऑनेस्टी, क्लीनिनेस, ठीक है, फ्रेंडलीनेस, बहुत सारी वैल्यूज हैं, रिस्पेक्ट फॉर दी एवरीबॉडी, ये सारी चीजें अंदर उसके कहीं ना कहीं चेंजेस आते हैं. और ये चीजें वो पॉजिटिव भी सीख सकता है या नेगेटिव भी. अब इसके एज सच एग्जाम्पल्स क्या हैं, जैसे क्लास में हाथ खड़ा करना. ठीक है, ऑटोमेटिकली टीचर क्वेश्चन पूछती है तो रेदर देन सारे इकट्ठे बच्चे पूछे तो क्लास में हाथ खड़ा करते हैं. इसका मतलब यहाँ से उन्हें ये भी समझ आता है कि हमेशा हर बार जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए बोलने में. यू शुड हैव योर टाइम, जब जिसकी बारी आए वो तब बोले. इससे एक वो चीज़ ये भी चीज सीखते हैं कि सबको ध्यान से सुनना चाहिए. जब और बाकी बच्चे बोल रहे हैं तो आपको नहीं बोलना चाहिए. ठीक है, ये चीज सीखते हैं बच्चे. ये एक वैल्यू है, ये एक बहुत अच्छा लेसन है कि ऑफ कोर्स जब बाकी बोल रहे होते हैं तो तब बोलना नहीं चाहिए, सबको रिस्पेक्ट देनी है. ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड मैसेज. यहां से ये बच्चे सीखते हैं दूसरों के साथ कैसे काम करना है, ये भी सीखते हैं. टर्निंग इन असाइनमेंट्स व्हेन ड्यू, यहां से बच्चे, अब जैसे असाइनमेंट पार्ट तो वैसे फॉर्मल का आता है. असाइनमेंट टीचर एक टाइम देती है ना कि इस टाइम पे कंप्लीट करना, बच्चे तब भी कंप्लीट नहीं करते, फिर उनको टीचर चलो एक दो दिन और दे देती है, एक्सटेंड कर देती है. यहां से बच्चे क्या सीखते हैं, टाइम की वैल्यू. ठीक है, टाइम की वैल्यू कि आप डिसिप्लिन्ड हो लाइफ में, ये चीजें आपको इनडायरेक्टली हमें असाइनमेंट सिखाती है. क्लास में आना टाइम पे, ठीक है, टाइम की वैल्यू, ये सारी चीजें हैं. तो मतलब ये भी एक चीजें हैं जो क्लास में हम बहुत, और ऐसी बहुत चीजें हैं जो सीखते हैं, और इनका प्रभाव बच्चे के एटीट्यूड पे, बच्चे के बिलीफ और वैल्यूज पे जरूर पड़ता है. ओके, चलिए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं. वेरी इजी एंड आई थिंक अब आपसे क्वेश्चन आराम से हो ही जाएगा. ये द अनस्पोकन और इम्प्लिसिट क्वेश्चन देखो आप. द अनस्पोकन और इम्प्लिसिट एकेडेमिक, सोशल एंड कल्चरल मैसेजेस दैट आर कम्युनिकेटेड टू स्टूडेंट वाइल दे आर इन स्कूल. कहते ऐसे मैसेजेस जो बच्चे को एकेडेमिकली मतलब स्कूल के अंदर भी मिलते हैं, सोशली या कल्चरली जब वो बाहर भी हैं. आप देखो जब फैमिली में भी होते हो ना, आप अपने पेरेंट्स को देख के या आप किसी को भी देख के, जब आप मार्केट में भी जा रहे हो आप कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करते हो, आप इनडायरेक्टली किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखते ही हो. तो ये एक हिडन है, हिडन चीज है जो आपने सीख ली. तो कह रहा है अनस्पोकन या इम्प्लिसिट एकेडेमिक, सोशल एंड कल्चरल मैसेजेस दैट आर कम्युनिकेटेड टू स्टूडेंट, जो बच्चे किसी ना किसी तरीके से सीख जाते हैं उसे हिडन कहेंगे, इंटीग्रेटेड, स्पाइरल या एक्सप्लिसिट. इसका सही ऑफ कोर्स क्या होगा, दैट इज द हिडन करिकुलम. ओके, वेरी इजी. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई होप यू एंजॉयड द सेशन. बाकी के करिकुलम हम भी करेंगे नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में. आई थिंक अब टीचिंग एप्टीट्यूड की बारी होपफुली मे बी नेक्स्ट वीक ही आएगी, तो तब हम करेंगे. हाँ, बाकी ये जो जितने भी बाकी टाइप्स के करिकुलम हैं वो आपके हमने कोर्स में डाले हुए हैं, ये 20 हैं, आई थिंक 10 और हैं. ठीक है, बट डोंट वरी, अब आने वाली जितनी भी हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेज हैं हम वो करते रहेंगे, 5-5 करके डिस्कस करते रहेंगे. और बाकी हाँ, जिनको अब एक टाइम में थोड़ा जल्दी चाहिए तो वो कोर्स ले सकते हो. ओके, बाकी नहीं तो है, डोंट वरी, सिलेबस अभी टाइम बहुत है. मैं धीरे धीरे कवर भी करा दूंगी जितना भी हम यूट्यूब पे कर सकते हैं, बट यूट्यूब पे हार्डली 35-40% ही हो सकता है. बिकॉज एक्चुअली क्या, हमें हर सब्जेक्ट की क्लास यूट्यूब पे देनी होती है, हमें रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश सबकी यूट्यूब पे प्रोवाइड करनी है, इसलिए हर सब्जेक्ट की बारी ही एक बारी आती है. ओके, सो एनी हाउ, बाकी नहीं तो आप कोर्स ले सकते हो. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.